गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है वार्ड नंबर 75 में, जहां पर के जो देखा जा रहा है कलकत्ता के, जो कहा जा रहा है कि एक ज़बरदस्त जो कंपटीशन जिस वार्ड में देखा जा रहा है वो है वार्ड नंबर 75। यहां पर CPIM के जो उम्मीदवार हैं फैयाज़ अहमद खान साहब, जो कि MMIC रह चुके हैं आगे भी और हैवी वेट लीडर माने जा रहे हैं, और सामने ही इनके सामने जो है तृणमूल कांग्रेस से जो कैंडिडेट है उनका नाम है निज़ामुद्दीन शम्स साहब, जो कि वार्ड नंबर 78 से काउंसिलर थे। वार्ड शिफ्ट होने की वजह से वो 75 के से वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मैदान पर हैं। आइए फैयाज़ साहब से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप को, आप ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सर क्या कहेंगे सर वार्ड के मसाइल को लेकर? देखिए, वार्ड में मतलब ज़रूरत तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ख्वाहिशात हमेशा रहते हैं, बढ़ता रहता है, और ये अच्छा चीज़ है क्योंकि वार्ड में जब पहली बार ही हम काउंसलर हुए या तीन टर्म रहे तो उस वक्त में यहाँ मसाइलों का ज़खीरा था, ढेर सारे मसाइल थे। पीने का पानी का मसला था, ड्रेनेज का मामला था, पानी जमता था, रास्ता घाट का प्रॉब्लम था, लाइटिंग का प्रॉब्लम था, एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं था, स्वास्थ्य केंद्र नहीं था यहाँ पर। हमारा कॉरपोरेशन के किसी विभाग का अगर ज़रूरत होता था काम करने के लिए तो यहाँ से जाना पड़ता था पाइप रोड में। तो ये क्या है कि इसको तीन टर्म के अंदर में हम सबको वापस ले लिए वार्ड के अंदर में। अभी अगर किसी डिपार्टमेंट को ज़रूरत हो तो वार्ड के अंदर ही मिलेगा। हेल्थ सेंटर नहीं था, हेल्थ सेंटर है। कम्युनिटी हॉल नहीं था, तीन तीन कम्युनिटी हॉल है। वाटर ट्रीटमेंट, पानी का किल्लत था, मारामारी होता था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिससे कि पूरा खिदीपुर के लोग पानी पाते हैं। ड्रेनेज का ये सिस्टम हुआ कि पूरे ड्रेनेज को चेंज किया गया, ब्रिटिश टाइम का ड्रेनेज था। सर, ये वाटर प्लांट ट्रीटमेंट किस वक्त में हुआ था? सर, वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट था इसका सैंक्शन जब हुआ था उस वक्त में 2000 से 2005 के दौरान हुआ था ट्रीटमेंट प्लांट का सैंक्शन। सुब्रत मुखर्जी मेयर थे उस टाइम में, हमारी इलाके के लोगों को लेकर तहरीकें और वहाँ उनके सामने में इन मसाइल को लेकर के जाना और वो फिर आ करके सेंक्शन उसी वक्त में किए थे। कंप्लीट हुआ था उस वक्त में बाय महाज का, वो था 2005 से 2010 के दौरान कंप्लीट करना पाइप का सेंक्शन, क्योंकि एक अमाउंट सेंक्शन करके काम शुरू करवा दिए थे, तो शुरू करवा दिए तभी उसका बाकी हमको फ़ंड मिलना शुरू हुआ। वो फंड का कमी रहा तो सिलसिला जो है बढ़ता रहा और बढ़ करके फिर जो है नेक्स्ट हम लोग पहुँच गए 2005 से 2010 में, जब बाय महाज का बोर्ड आया तो फिर उस वक्त में पूरा लोगों को पानी देने का काम किए। तो उस वक्त में ये काम हुआ था और इलाके के अंदर में ड्रेनेज का पूरा सब सफाई किया गया अच्छे तरीके से, पानी नहीं जमता इस इलाके में। कलकत्ता डूब भी जाए तो ये इलाका नहीं डूबेगा, चाहे वार्डगंज हो चाहे हेस्टिंग्स हो, पानी का ठहराव नहीं होता, निकल जाता है। ये अलग बात है कि मेंटेनेंस की कमी है, वो करना पड़ेगा। डिसिल्टिंग नहीं होता ठीक से, डिसिल्टिंग की ज़रूरत है। अगर सही तरीके से डिसिल्टिंग हो तो यहाँ ज़रा भी पानी का, मतलब थोड़ी देर के लिए भी पानी नहीं रुके, तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है। उस वक्त में हमने यहाँ पर तालाब किया, करबला बनवाया, नौजवानों के लिए जिम बनवाया, तो ये तमाम काम उस वक्त कर दिया। कॉरपोरेशन का स्कूल का हाल ख़राब था, स्कूल को बनवाया, पार्क बनवाया हम यहाँ पर। तो क्या है कि लोगों को साथ जोड़ करके एक माहौल बना था, कल्चरल लिटरेरी माहौल, स्पोर्ट्स का माहौल, ये हर साल कंपटीशंस हुआ करते थे, ये सब बहुत हुआ था। अभी जो ज़रूरत है कि दोबारा मैदान में काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे, फ्री टैलेंट सर्च हुआ करता था, यहाँ तक कि अगर कहिए इफ्तार पार्टी जो होता था, मेरे ख्याल से चूँकि टर्की से आए थे यहाँ का शूट करने के लिए, कि वो लोग उनके मुताबिक है कि ये कहा जाए एशिया का लार्जेस्ट है इफ्तार पार्टी, लोग आते थे कोई इसमें, और कोई सियासी इफ्तार नहीं होता था, लोग अभी सियासी इफ्तार करते थे। वो हमारा एडवोकेट्स काउंसिल था, हम लोग करते थे उसको मिल करके, पब्लिक का चंदा उठा के नहीं करते थे, ये अपने दोस्तों से मिलजुल करके उनको लेकर करते थे, पार्टी का तरफ से नहीं। रिलीजियस चीज़ों के ऊपर नहीं, नहीं, पहली बात बोल रहे हैं कि पार्टी का तरफ से नहीं होता, क्योंकि पार्टी अगर करते हैं तो एक हिस्सा को लेंगे बाकी को छोड़ देंगे। हमारा कोई प्रोग्राम पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। मुंशी प्रेमचंद बर्थ एनिवर्सरी के कमेटी के जरिए कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था, स्पोर्ट्स हुआ करता था, और आज भी हम यकीन रखते हैं कि एक काउंसिलर का जो जिम्मेवारी है वो तमाम लोगों को लेकर चलने की जिम्मेवारी है, सोसाइटी को हमने बढ़ाने के लिए। बेशक उनको हमने वार्ड कमेटी बनाया था, चूंकि लेफ्ट फ्रंट का था कि अकेला काउंसिलर नहीं, एक वार्ड कमेटी हो जहां अपोजिशन के लोग रहें। हमने वार्ड कमेटी बनाया था जिसमें अपोजिशन के लोग थे, यहां तक कि ओलंपियन मेवालाल जी उस कमेटी के मेंबर थे।
तो ऐसे लोगों को लेकर के, चूंकि ढेर सारे लोग रहेंगे तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, जल्दी होगा। सर, ब्लड डोनेशन कैंप उस वक्त में भी होता था, अभी भी हो रहा है? ब्लड डोनेशन कैंप डिफरेंस क्या दिख रहा है सर? ब्लड डोनेशन कैंप जबरदस्त होता था, हेल्थ चेकअप कैंप होता था, आँख का ऑपरेशन करवाया जाता था, ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस था, ये चल रही कॉरपोरेशन से अलग हट करके होता था, ये लोगों को साथ लेके। क्या है कि कॉरपोरेशन काउंसिलर को लोग हाथ के पास पाते हैं, काउंसलर से उम्मीद बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन से लेकर के विधवा पेंशन से लेकर वेटरनरी बेनिफिट, एक्सीडेंटल बेनिफिट, यहाँ तक कि उस जमाने में रोजगार सिविक पुलिस वॉलंटियर के लिए पैसा लगता है, रिश्वत देना पड़ता है। उस जमाने में इसी जगह बैठ करके एक दिन के नोटिस में लगभग 300 लोग, सिर्फ हमारे 75 वार्ड के नहीं, खिदिरपुर के लोग, हर पार्टी को, कोई पार्टी नहीं पूछा गया, कोई मजहब नहीं पूछा गया, सबको भेजा गया, 300 लोग हुए। बाकी दीगर जगहों में कैजुअल काम जहां मौका मिला ये कोशिश किया गया। आज हमारी लड़ाई होगी कि कलकत्ता कॉरपोरेशन में 28,000 पोस्ट वैकेंट है, कॉरपोरेशन को वहां पर फिर से वो फ्रीज नहीं करके वहां पर अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा, बेकार लोग हैं, कोई रोजगार नहीं है, कहां जाएंगे? इससे लड़ाई, वो लड़ाई लड़नी होगी, मेंटेनेंस करना होगा। कम्युनिटी हॉल 3-3 है, लोग और चाहते हैं और अच्छा कम्युनिटी हॉल हो, और बेटर हो, अगर एयर कंडीशन हो जाए और अच्छा है, तो ये डेवलपमेंट का कहीं एंड नहीं है, और उसको डेवलप करना पड़ेगा। उससे अलग हट करके यहाँ पर हमारा कोई हाई स्कूल नहीं है लड़कियों के लिए, खास करके उस ज़माने में कोशिश थी हमारी, गवर्नमेंट चला गया, नहीं तो मुद्दत भट्टाचार्य, अब्दुल रज्जाक मुल्ला डिपार्टमेंट, बहुत सारे वेयर हाउसेज यहाँ पर है, बहुत सारे यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट की कम जगह है, जो कि ठीका टेंसी का लैंड है, वो लैंड उनका लीज एक्सपायर हो गया है, गवर्नमेंट से वो लैंड ले करके ताकि गर्ल्स स्कूल का, कॉलेज का क्याम हो, टेक्निकल स्पोर्ट्स का हो, मैदान का मैदान रहे, तो ये सब एक प्लानिंग था, नहीं हो पाया सरकार नहीं रहने से, फिर से उसको कोशिश करना पड़ेगा ताकि जो है ये चीज़ दिया जा सके। तो अभी फिलहाल जो कि तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गई है सर, तो उनके कामों को क्या लगता है सर, उनके कामों को देख करके आपको दोबारा आपको वोट मिलेगा या वोट किसी और खेमे में ट्रांसफर हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि लोग CPIM को वोट दिए थे, काउंसिलर कोई हो लोग वो नहीं देखते, पार्टी देखते, कौन सा पार्टी यहाँ खिदमत किया। CPIM में अगर कोई रहता है तो CPIM के तरीके से चलता है, और कहीं जाता तो तरीका बदल जाता है, लोग देखते हैं, तो लोग CPIM को वोट दिए थे, CPIM को ही वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। सर, हाल ही में विधानसभा चुनाव गया है सर, उसमें जो कि वार्ड नंबर 75 का जो रिजल्ट रहा है सर, CPIM की तरफ से बहुत ही खराब रिजल्ट रहा, जबकि जोड़ था सर CPIM कांग्रेस दोनों का, बीजेपी जबकि यहाँ पर अच्छा कहीं ना कहीं कहा जाए तो 4,500 से 5,000 वोट उसको मिला था सर, क्या कहेंगे सर, क्या ऐसा रिजल्ट आने की उम्मीद है या फिर KMC में कुछ और फैक्टर है? नहीं, हमेशा से यहाँ का लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के जमाने में भी, असल में कॉरपोरेशन असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन अलग होता है जी, पार्लियामेंट में और असेंबली में लोग, पार्लियामेंट में लोग मुल्क को देखते हैं किसको हाथ में दिया जाए, असेंबली में लोग देखते हैं अपने सूबे को बचाने के लिए, कॉरपोरेशन में देखते हैं अपने घर को बचाने के लिए, किससे हमारा घर हमारा मोहल्ला ठीक रहेगा सुरक्षित रहेगा, उसमें रंग नहीं देखते लोग, वो देखते हैं कौन लोग हैं जो काम करेंगे। इसमें हमेशा से CPIM के जो लोग रहे हैं वो यहाँ पर लोग उनको हमेशा से चुनते रहे हैं, क्योंकि हम भी जिस ज़मीन पर आए थे वो ज़मीन तो किसी और ने उसको कहा जाए अगर सींचा और संवारा था, डॉक्टर ज़रूर लग साहब थे, उनकी मौत के बाद हम उस फसल को काटे, हमारे बाद जो काउंसलर हुई वो उस फसल को काटी, तो सिलसिला खेती हम करते रहे, आज फिर फसल हम ही काटेंगे। सर, एक चीज़ देखा जा रहा है, लोगों का कहना है कि जैसे कि निज़ामुद्दीन साहब सामने हैं तृणमूल कांग्रेस के तहत, तो कहा जा रहा है कि इस बार जो लाल का किला कहा जा रहा है 75 नंबर वार्ड, तो वो फतेह होने के कगार पर खड़ा है सर, आप क्या कहें, क्योंकि आप काफ़ी तजुर्बाकार लीडर हैं और ऑलवेज ग्राउंड से रह चुके हैं सर, दो या तीन टाइम यहाँ पर भी आप रह चुके हैं सर, क्या कहेंगे सर? किसी किला को फतेह करना इतना आसान नहीं है, खास करके कॉरपोरेशन में। अब बताइए तृणमूल की यह हालत है इस वार्ड में कि उनको इस इलाके का कोई कैंडिडेट मिला नहीं, तभी तो 3 वार्ड टपक करके लाना पड़ा। लोग इलाका का खोजते हैं, घर का आदमी खोजते हैं, इसलिए किला तोड़ना आसान नहीं है। इलाके का तृणमूल, इसका मतलब जो इतने दिन से जो लोग तृणमूल करते हैं वो किसी लायक नहीं है, ये तो उनके लिए बेइज्जती है। जो नौजवान हम जिनको देखते रहते हैं, दिन रात मेहनत मशक्कत करते हैं, पार्टी का झंडा लेके दीदी का नारा लगाते रहते हैं,
आज उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है, बाहर से लाके बैठाया जा रहा है। तो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग समझते हैं कि अच्छा हम काउंसलर चुनेंगे, हमको कोई ज़रूरत हुई। एमएलए एमपी को नहीं पाते हैं लोग, काउंसलर को पाते हैं। कहाँ जाएंगे, जाएंगे टपक करके 3 वाट 4 वाट, बरसात के दिन में कहाँ जाएंगे, पानी जमा रहता है। आज तो दावा करते हैं पानी नहीं जमता है। तो लोग इस मामले में चौकीदार खोजते हैं, पहरादार खोजते हैं, मोदी वाला चौकीदार नहीं जो मुल्क बेचने का काम करता हो, वो समझ करके वार्ड का चौकीदारी करे, पहरादारी करे, लोगों के दुख सुख में रहे, ऐसे लोगों को ही चुनते हैं लोग। इसलिए हमको पूरा यकीन है कि लाल किला लाल ही रहेगा। किला के अंदर सेन मारने का किसी का दम नहीं है, बहुत मजबूत किला है, बुनियादें बड़ी, कोई इल्लीगल किला नहीं है। पिलर बनाए और किला बन गया, नींव बहुत मजबूत है, भीत बहुत मजबूत है। इस भीत को इतना बड़ा आंधी तूफान आया था 2010 साल में, बहुत बड़ा तूफान था, काफ़ी बड़ा था। उस तूफान ने जब नहीं इस किला को गिरा पाया, अब नहीं गिरेगा। 15 में भी सर काफ़ी बड़ा तूफान था, 15 में भी रुक गया। लोग समझते हैं तूफान रोकने जानते हैं। सर एक चीज़ वार्ड में देखा जा रहा है, जहाँ तक हम लोगों की ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, एक फैक्टर है सर अंदर और बाहर, इस पर क्या कहेंगे सर, ये क्या फैक्टर है सर? तो सभी वो दावा करता है, अच्छा है, बाहर के लोगों का भी चुनाव लड़ने का हक है भाई, कोई भी आ सकता है, अगर कानून के तहत कानूनी बन वो काबिल हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन लोग जो तलाश करते हैं वो कहते हैं घर का लड़का चाहिए, घर का आदमी चाहिए, बाहर का आदमी नहीं चाहिए। इलाके के लोग चाहते हैं कॉरपोरेशन में हाथ के पास जिनको पाएं, हाथ के पास, अब मैजिक वाला हाथ तो है नहीं जो यहाँ से हाथ बढ़ा दें और 30 किलोमीटर दूर चले जाए। हाथ का दायरा वार्ड है, वार्ड के अंदर होता है। तो दायरे के अंदर लोग चाह रहे हैं कि दायरे वाले जो हैं उन्हीं को लाएं। दूसरी बात है कि देखिए काउंसलर होने से एक एडवांटेज होता है, वो काम का, लोग काम गिनते हैं। आज हमको ये फ़ायदा मिल रहा है, लोग कह रहे नहीं आपने कुछ काम किया है, तो हम वही तो काम किए हैं बोल करके, चूँकि लोग परख चुके हैं इसलिए हम वो मिल रहा है, नहीं तो हमारे लिए भी परेशानी होती। अच्छा अगला भी तो था, तो जिस वार्ड में है उस वार्ड के लोग तो सोशल मीडिया में जो डाल रहे हैं वो तो बड़ा, हम नहीं कहेंगे उनके खिलाफ, ये आप पता लगा लें वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। अभी भी हम सोलाना कब्रिस्तान में बरसात अगर हो जाए, ये अभी 2 दिन शनिचर एतवार को क्या होगा ठीक नहीं, अगर मैयत हो जाए खुदा ना खास्ता तो फिर तो हमको पानी में ही जाना पड़ेगा। कम से कम इस मामले में हम कह सकते हैं कि इस वार्ड में पानी नहीं जमता। अगर इरादा ठीक हो, अगर ज़मीन की तरफ देख के काम करेंगे हम तो आवाम का काम होगा, अगर ऊपर की तरफ काम करेंगे तो अपना काम होगा। हम ऊपर नहीं देखते, कितना मंजिला बिल्डिंग है वो देखना शुरू कर देंगे, कितना स्क्वायर फुट का बिल्डिंग है वो देखना शुरू कर देंगे, तो आवाम का काम नहीं होगा। और अगर नीचे देख करके चलेंगे तो ठोकर भी नहीं लगेगा, रास्ता भी देख पाएंगे कहाँ गड्ढा है, कहाँ मरम्मत करने की ज़रूरत है, ड्रेनेज भी देख पाएंगे कौन सा गली पीट जाम है चेंज करना है या बकारी मारना है, गंदगी भी देख पाएंगे किसको सफाई करना है, पानी का नलका भी देख पाएंगे कि पानी बर्बाद हो रहा है या पानी नहीं मिल रहा है, नीचे देख के चलना पड़ता है। असल में जो लोग हैं वो ऊँचा ऊपर देख रहे हैं, हम नीचे देख के चल रहे हैं। अहम चीज़ें जो आपको लगती है, अगर आपको अगर पब्लिक दोबारा आपको अगर मौका देती है तो आप वो 5 क्या ऐसे चीज़ इस वार्ड के लिए करना चाहेंगे सर? कॉरपोरेशन के दायरे में जो है उस मुताबिक हमारा हेस्टिंग्स का एक तालाब है जो सूखा तालाब कहते हैं, इलाके के लोगों से बात करके उसको मॉडर्न करने का कोशिश करेंगे। हमारा जो कम्युनिटी हॉल है मेंटेनेंस का बहुत कमी है, उसको पूरे तौर पर मेंटेन करके सही तरीके से और मॉडर्न करके, आपके वक्त में वहाँ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, अब उसको करें ताकि लोग उसको सही से इस्तेमाल कर सकें, उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। टेक्निकल कॉलेज स्कूल का ज़रूरत है इस इलाके के अंदर में, खेल कूद मैदान, क्योंकि आज भी हम हेस्टिंग्स में गए थे तो वहाँ लोग कहने लगे कि आप सिर्फ मेवालाल कहते हैं या 4 ओलंपियन थे, इस वार्ड में
प्लेयर का अवार्ड है, मैदान भी चाहिए, बच्चों को खेल कूद का मैदान, फुटबॉलर्स का अवार्ड कहा जाता है। इस वार्ड में एक वक्त में काफ़ी प्लांटेशन किए थे। अगर हमको यहाँ पर पोल्यूशन रोकना है, इंसान को ज़िंदा रखना है, तो पोल्यूशन रोकना पड़ेगा, प्लांटेशन करना पड़ेगा मैसिव। हम घर घर जा रहे हैं, देख रहे हैं, मेंटल पेशेंट्स बहुत हैं, उनका कोई इंतज़ाम नहीं है। सरकारी इंतज़ाम कहाँ है? वही मेंटल पैवलोक हॉस्पिटल छोड़ के और कहाँ है? इनको कौन देखेगा? तो सर, जब जो बिल्किस मैडम थी तो आपके साथ ही थी सर, उस वक्त ये चीज़ क्यों नहीं दिखा सर? ये सवाल बनता है सर, जो आप बेशक बनता है, चूँकि मेंटल क्लिनिक या हॉस्पिटल कॉरपोरेशन के दायरे में नहीं है, मेंटेनेंस कॉरपोरेशन के दायरे में है। हमने कहा ना कि आखिरी वक्त में ज़रा ऊंचाई की तरफ देखना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ज़मीन दिखाई नहीं दे रहा था और मेंटेनेंस में कमी रह गया, वो करना पड़ेगा। हमारी पार्टी में अगर कोई है, अगर गलत करता है, हमारी पार्टी तो बख्शती नहीं है, या हम उसका गलती को ढकेंगे क्यों? जो गलती है वो गलती है, जो करना चाहिए तो होगा, हमारे काम से गलती नहीं, हमसे भी गलती है, लेकिन गलती को सुधारना ही असल काम होता है। वो एलिगेशंस लगा रही थी हाल ही में जब वो ज्वाइन की, उस वक्त उनसे पूछा गया तो क्या उनको बेइज्जत किया गया? वो ऐसा क्यों कह रही सर, बेइज्जत किया गया क्या? बेइज्जत के क्या मतलब? ये हम नहीं कह रहे, आवाम कह रही कि अगर ये बात कही है तो कल तक कौन जानता था। एक घर से निकाल करके उनको उठा करके 2010 में जिताया गया, कोई नहीं जानता था। पहचान उस वक्त दिलाई गया, पार्टी ने पहचान दिलाया, कोई लाल झंडा, कोई यहाँ सुहा थोड़ी तारा, वही तो पहचान थे। दोबारा फिर काउंसलर बनाया गया, और कौन सी इज्जत चाहिए? इज्जत का माने सिर्फ काउंसलर बने रहना इज्जत है? हमारे पार्टी के वर्कर इतने हैं जो हमारे लिए जान देते हैं एक उम्मीदवार को जिताने के लिए, क्या वो उस काबिल नहीं है? उनके अंदर भी तो काबिलियत है, सीट तो एक ही रहेगा, एक वार्ड में क्या हमारे अगर 200 पार्टी मेंबर हैं या हमारे सिमेंट तो 200 कैंडिडेट होगा। ये सोच रखने वाले लोग और कुछ हो सकते हैं, कम्युनिस्ट नहीं हो सकता, CPIM नहीं हो सकता। CPIM करने वाले लोग जज्बे के तहत समाज बदलने की लड़ाई लड़ते हैं, पैसा कमाने का नहीं, पैसा देकर के पार्टी करते हैं। CPIM करने वाले लोग ये समाज जहां पर के गरीब गरीबी के दलदल में जाता है और काले पैसे का पहाड़ जमता है कुछ लोगों के पास, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है। CPIM कलकत्ता कॉरपोरेशन के तरह सरकारी जगहों में मुलाजमत बंद है, मुलाजमत की लड़ाई लड़ते हैं, महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ लड़ते हैं, किसानों के फसल का कीमत के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के हक के लिए लड़ते हैं। तभी तो किसान आंदोलन पूरे मुल्क के अंदर में मोदी जैसे हिटलर को भी सर झुकाने में मजबूर किया। हम वो लड़ाई लड़ते हैं। किसानों का सपना वो नहीं था कि वो मंत्री बनेंगे, MLA या काउंसलर बनेंगे, उनका सपना था कि किसानों का हक इस हिंदुस्तान के अंदर में मिले जो मोदी की सरकार छीन ली थी और वो वापस लिए। तो ऐसा अगर किसी का सोच होता है कि इज्जत नहीं मिली है, तो मेरे ख्याल से उनको सही जगह में गई हैं। CPIM में ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं है। सर, एक चीज़ देखा गया है, जब वो CPIM में और सडनली तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करे, तो क्या लगता है सर, आप ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लगता है तृणमूल कांग्रेस को मजबूती मिला है या फिर कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो रहा है उनको ज्वाइन करने? देखिए, लोग समझते हैं, लोग फैसला करते हैं। अगर किसी को हैवी वेट बनाते हैं तो वो उसका वेट नहीं होता, जनता की वेट होती है। जनते अपने वेट को थोड़ा थोड़ा दे करके हैवी वेट बनाते हैं। जनता चुनती है। आज हम लेकर एक सिंबल जा रहे हैं, कल दूसरा सिंबल लेके जाएंगे तो लोगों के नज़र में ऐसे ही गिर जाएंगे। लोग समझते हैं दल बदलू का मतलब है धंधाबाजी। लोग समझते हैं धंधाबाज को नहीं लाना चाहिए, धंधाबाजों का साथ नहीं देना चाहिए, इससे किसी का वज़न नहीं बढ़ता है। तराजू के पल्ले पर एक और एक दिखा करके वज़न बढ़ा सकते हैं, लेकिन जनता के पल्ला पर वज़न घट जाता है, बढ़ता नहीं है। वो वज़न घटाने का काम किया, बढ़ाने का। एक चीज़ और देखा गया खासतौर पर वार्ड 75 में सर, साइलेंट वोटर, पूरे कोलकाता पोर्ट में सबसे ज़्यादा साइलेंट वोटर 75 नंबर वार्ड, क्या कह रहे हैं सर साइलेंट वोटर? आप जा रहे हैं फील्ड पर, हमारी तरफ से अलग सर्वे। देखिए, ऐसा है कि हमारा, हमको पूरा अपने ऊपर, आवाम के ऊपर, इस इलाके के आवाम के ऊपर में पूरा विश्वास है। हम किसी के ज़मीर को ख़रीदते नहीं हैं जी, वोटरों को ख़रीदने का काम नहीं करते, आज तक किसी को झूठा वादा नहीं दिए। जो कर पाते हैं बोलते हैं, जो नहीं कर पाते हैं नहीं कर पाएंगे। आवाम से पिछले दिनों किए गए तमाम वादों को पूरा किए हैं, तमाम वादों को हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो दिए थे उससे ज़्यादा किए हैं इलाके के लोगों को लेकर के। तो लोग जानते हैं, समझते हैं, ये नहीं कि हमसे कहीं गलती नहीं हुई है। गलती इंसान से होती, हो ही सकता है, सब एक आदमी से खुश नहीं रह सकता है, जाने अनजाने में गलतियाँ हो ही सकती हैं।
वो आवाम से हम समझ लेते हैं। आवाम हमसे जब खुल के बोलती है तो हम समझते हैं हमको चाहने वाला है, तभी कहता है आपकी ये गलती है और उस गलती को सुधारने का काम करते हैं, यही हमारा काम है। गलती को ढकने का काम नहीं करते। हमारे अंदर भी कोई गलती है, अगर लोग उसको उजागर करें उसको हम संभालने का काम करते हैं, उसको रेक्टिफाई करने का काम करते हैं, लेकिन लोगों को साथ लेकर के तहरीक का शक्ल देते हैं, उनके मुतालबात को पूरा करने का कोशिश करते हैं, यही हमारा काम है। इसलिए हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि परखने की ज़रूरत नहीं है। तीन तीन बार इम्तहान पास किए हैं लोग, इम्तहान ले चुके हैं, उसी इम्तहान के बुनियाद पर हम समझते हैं कि जनता, चूँकि जनता की अदालत में हाजिर होना पड़ता है। विरोधी दल कह रहे हैं कि जमाना जब्त, इस तरीके का शब्द जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं सर। अगर हमारे बारे में जमाना जब्त, विरोधी दल का ताकत नहीं है, अगर ताकत जब्त करने का है तो आवाम का ताकत है। वो आवाम की ताकत को छोटा कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, आवाम की ताकत के जो वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, ये कह कर के आवाम को इंसल्ट कर रहे हैं आवाम का। आवाम इसका बदला लेगी, आवाम पे हम छोड़ते हैं। 21 तारीख के दिन एक किसको पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन आप देख रहे थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे जनाब फैयाज़ अहमद ख़ान साहब, जो कि कहा जाए एक तरह से तजुर्बाकार, तमाम चीज़ों को वार्ड, ख़ास तौर पर 75 नंबर वार्ड को काफ़ी गहराई से जानते हैं, समझते हैं, यहाँ के वोटर्स को तमाम चीज़ों को काफ़ी एक्सपीरियंस है। और दोबारा से CPIM ने उन्हें वार्ड नंबर 75 का CPSLR बनाकर भेजा है। हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएँ आपके साथ है सर। और द लोकल जर्नलिस्ट दोबारा भी तमाम चीज़ों पर वार्ड नंबर 75 से जुड़े तमाम इश्यूज़, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। हमें इजाज़त दें और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।